Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome in this video. I hope so you all will be fine. Today in this lecture, I am discuss about the types of ROM. So let's see. First of all, हम देखते हैं कि types of ROM, ROM की types क्या हैं. जो है पहली है हमारे पास P-ROM, EP-ROM and EEP-ROM. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पी रोम को डिस्कस करते हैं कि पी रोम क्या होती है. प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी से हम कहते हैं प्रोग्रामेबल. हम रोम के बारे में मैंने आप लोगों को स्टेट जो डिस्क्रिप्शन में डिस्कस जो है वो डिटेल से मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में आप लोगों को दे दिया है. वो अब रोम के बारे में आप लोग वहाँ से अब लेक्चर देख सकते हैं. आज के लेक्चर में आप लोगों के साथ प्रोग्रामेबल टाइप्स ऑफ रोम के बारे में डिस्कस करूँगी, जो कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर रहे हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी रोम तो मैंने आप डिस्कस कर दी. अब देखते हैं कि प्रोग्रामेबल किस तरह से प्रोग्रामेबल है, किस तरह से ये इंस्ट्रक्शंस को रीड करती है. ओन फॉर्म इज इनिशली ब्लैंक. जो इसकी इनिशली जो फॉर्म होती है वो ब्लैंक होती है, ब्लैंक फॉर्म में होती है. जो बिकॉज जो हम डाटा जो होते हैं इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो स्टोर करते हैं परमानेंटली एंड इसमें ये ब्लैंक फॉर्म में होता है. पहले यूज़र राइट डाटा यूजिंग स्पेशल डिवाइस. इस तरह के हमने मैंने आप लोगों को बताया था कि रोम जो होती है वो जस्ट रीड करती है डाटा को, ना कि राइट करती है. और जो पी रोम की जो टाइप रोम की टाइप है वो इंस्ट्रक्शंस को राइट करती है स्पेशल डिवाइसेस के थ्रू. विद इन स्पेशल डिवाइसेस के थ्रू जो इंस्ट्रक्शंस को है वो राइट कर रही होती है. यूज़र राइट डाटा ओनली वंस. इसमें यूज़र जो है अपना डाटा को राइट करता है जस्ट वन टाइम, वन एक ही बार इंस्ट्रक्शन को अपने जो है वो राइट कर सकता है. यूज़र राइट जस्ट वन टाइम यूज़र जो है वो राइट करता है कोई अपनी इंस्ट्रक्शंस को. अगर कोई भी एनी एरर जो इंस्ट्रक्शन में जनरेट हो जाता है तो एरर कैन नॉट बी रिमूव्ड. इसमें जो है एरर कोई भी रिमूव नहीं हो सकता, हो पाता, क्योंकि जो है इसमें स्पेशल एक वो डिवाइस के थ्रू यूज़र जो है वो इसमें राइट करता है. एंड इंस्ट्रक्शन होती है वो राइट होती है जस्ट वन टाइम. अगर कोई एरर जनरेट हो जाता है तो फिर वो दोबारा राइट नहीं हो पाती. और करना भी चाहे तो फिर नेक्स्ट जो है उसको दोबारा से वो जो है प्रोग्राम करना पड़ता है एंड दोबारा से इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ती है, फिर जाकर उसका सक्सेसफुल होती है. चिप बिकम अनयूजेबल. जो फिर अगर रिमूव इंस्ट्रक्शन हो जाती हैं तो जो उसके जो रोम की जो चिप है वो अनयूजेबल हो जाती है. अनयूजेबल फॉर्म क्योंकि वो यूज़ करने के काबिल रह नहीं जाती, अनयूजेबल होती है. जस्ट इंस्ट्रक्शन जो है वन टाइम ही इसमें राइट होती हैं. नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो है EEP-ROM. EEP-ROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को हम कहते हैं. ये इरेजेबल जो है नाम से जाहिर है कि इसमें जो है इंस्ट्रक्शन जो है वो रेज हो रही होती हैं. बिकॉज जो प्रोग्रामेबल है हम उसमें प्रोग्राम हम डाटा इंस्ट्रक्शन जो है वो लिखते हैं, लिख पाते हैं, लेकिन जस्ट वन टाइम लिख पाते हैं. और इसमें जो है ये भी इनिशली ब्लैंक होती है एंड इसमें डाटा इंस्ट्रक्शन को जो है हम रेस्ट कर सकते हैं यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस के थ्रू. भी अगर हमारा कोई प्रोग्राम हमारी इंस्ट्रक्शन जो है वो रोम देती है हमारे ड्यू टू एनी एरर जो है वो कोई भी एरर जनरेट कर देती है तो हम इसमें जो है वो दोबारा जो है हम इसको रेज कर सकते हैं और दोबारा से इंस्ट्रक्शन जो है हम अपने पुट कर सकते हैं यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेज के. अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू हम जो है हम इसको कर सकते हैं राइट न्यू प्रोग्राम. देन फिर हम जो है राइट न्यू प्रोग्राम जो है इसे राइट कर सकते हैं. और इस तरह से चिप जो है हमारी वो अनयूजेबल नहीं रहती, हम इसको यूजेबल बना सकते हैं. नेक्स्ट जो है रोम की टाइप वो है EEP-ROM. इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी से कहते हैं. जो कि इलेक्ट्रॉनिकली मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉनिकली रेजेबल मीन्स ये जो है रेज. पहले हमने EEP-ROM में मैंने डिस्कस किया जो रेज करती है इंस्ट्रक्शन को, रेज कर सकती है. और एंड ये जो इंस्ट्रक्शंस को रेज करती है इलेक्ट्रॉनिकली मीन्स चार्जेस के थ्रू, इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू ये जो है इंस्ट्रक्शंस हमारे डाटा को रेज कर सकती है. राइट एंड रेज बाई इलेक्ट्रिकल पल्स. इलेक्ट्रिकल पल्स के थ्रू जो मैंने अभी आपको बताया इलेक्ट्रिकल चार्जेस इलेक्ट्रिकल पल्स के थ्रू जो है डाटा को इंस्ट्रक्शंस को रिमूव कर सकती है अगर कोई एनी एरर जनरेट हो जाती है.
एनी एरर इन राइटिंग द इंस्ट्रक्शन, कोई भी अगर एरर इंस्ट्रक्शन में राइट हो जाती करते हैं, कोई भी एरर कंटेन हो जाती है तो वो इरेज हो जाती है यूजिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल पल्स के थ्रू, इलेक्ट्रिकल पल्सिस के थ्रू जो है वो रेज हो जाती है. कंटेंट ऑफ ईईपी रोम मॉडिफाइड इजली, हम इससे कंटेंट्स को इजली मॉडिफाइड कर सकते हैं बिकॉज ये मोर वन टू टाइम देन जो है हम इसको रेज कर सकते हैं. इलेक्ट्रिकल चार्ज अगर हमारे पास कोई भी एरर जनरेट हो जाती है तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं मोर देन वन टाइम. सो ये जो है इफ़ेक्टिव है, बट इसमें यह है कि इसमें इलेक्ट्रिक जो की ज़रूरत पड़ती है, कभी इलेक्ट्रिकल चार्ज की ज़रूरत पड़ती है, और कभी ऐसा टाइम ऐसा होता है हमारे पास कि जो है इलेक्ट्रिकल सप्लाई हमारे पास नहीं अवेलेबल होती, तो हम जो है ज़्यादातर ईपी रोम जो है वो तो जो ईपी रोम जो होती है वो ज़्यादातर यूज़ हो रही होती है, क्योंकि उसमें जो है वो रेजेबल मेमोरी है, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल रेजेबल इलेक्ट्रॉनिकल जो है वो करती है रेज. सो बिकॉज इसका एक और भी चीज़ है इसमें आती है कि जो हमारा सिस्टम यूनिट है उसमें जो सारे इलेक्ट्रॉनिकली कंपोनेंट्स होते हैं, सो ये ज़्यादा उनके लिए बेस्ट है इलेक्ट्रॉनिकली कंपोनेंट्स के लिए, क्योंकि उनसे कनेक्शन के लिए, उनकी कनेक्टिंग के लिए ज़्यादा बेस्ट है. सो आई होप सो आप लोगों को अच्छी लगी, किस समझ आई होगी. अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कमेंट कर सकते हैं. आज के लेक्चर में हम लोग से रोम की टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है. अगर आप लोगों को लेक्चर की समझ आई तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरे हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके. थैंक यू.